हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज जाफर एंड वेलकम टू ड्राइवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे गूगल एडसन के ऊपर अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हमारे वेबसाइट की तरफ से या यूट्यूब तरफ से जब हमारे डॉलर्स एडसन के अंदर ऐड होते हैं, तब हमें एडसन के ऊपर अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होता है। आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए हमें अपना जो गवर्नमेंट का इशू किया होता है आइडेंटिटी कार्ड होता है, या तो वो लगाना पड़ता है, या ड्राइविंग लाइसेंस या पासवर्ड, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं जिनके जरिए हम अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारा मैथड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, आपने सबसे पहले जो आपको जीमेल आया हो, आपने जीमेल को ओपन करना है और वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ लोडिंग होगी, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वो बोल रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या रेजिडेंट परमिट, आपने इनमें से कुछ भी सेलेक्ट करना है। आपने सबसे ऊपर अपना लीगल नेम लिखना है। ठीक है, लीगल नेम आपका जो आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर या लाइसेंस के ऊपर होगा वो लिखना है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, मैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करूँगा तो मैंने वो सेलेक्ट किया। ऊपर फ्रंट साइड ऊपर अपलोड करनी है और बैक साइड नीचे अपलोड करनी। ठीक है, मैं फ्रंट साइड अपलोड करता हूँ। अपलोड पर क्लिक करें और देन लोकेट करें जहाँ पर भी आपकी जो पिक्चर आपने रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले फ्रंट साइड को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करें, ये फ्रंट साइड अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है अगर आपका आईडी पिक्चर क्लियर है फिर भी ये बोल रहा है तब आप इसे इग्नोर करें। ठीक है, इसे कुछ भी अगर आपका रीडेबल है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज अगर रीडेबल नहीं है तो आप री अपलोड कर दें। ठीक है, तो अदरवाइज इसे इग्नोर करें। ठीक है, आप उसके बैक साइड अपलोड करते हैं, अपलोड पर क्लिक करें, बैक साइड पर क्लिक करें, ओपन करें। ठीक है, ये अपलोडिंग होगी, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये देखो हमारी फ्रंट और बैक साइड दोनों अपलोड होगी, अब हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने एड्रेस दोबारा वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने वो एड्रेस प्रोवाइड करना है जो कि आपका अभी रियल एड्रेस है जिसके ऊपर आपने अपना वो लेना है, अपना पिन कोड लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सबमिट करने के बाद हमें पिन का ऑप्शन दे देंगे, वो मतलब हमारे एड्रेस के ऊपर पिन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग लेगा सबमिट करने के बाद, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर। वेरिफिकेशन ऑफ सक्सेसफुल होगी, अब गो टू पे क्लिक करें, आपको एडसन की तरफ जीमेल भी आ जाएगा जहाँ पर आपको बता देगा कि आपकी आइडेंटिटी है ना वो कंप्लीट होगी, वेरिफिकेशन हो गई है। ठीक है, बैक करता हूँ, यहाँ पर आपको एक न्यू जीमेल आया हुआ है। ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, तो मतलब हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ना वो कम्प्लीट हो गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको जीमेल नहीं आता तब आप अपने एडसन के अंदर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको जीमेल नहीं आया तो आप अपने एडसन को ओपन करें, एडसन के अंदर भी आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर सिंपली एडसन लिखें, एडसन लॉगिन लिखें, ठीक है, सर्च करें एंड देन ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर दें। यहाँ पर अपना अकाउंट सेलेक्ट करें जो कि आपका यूट्यूब के साथ लिंक है। ठीक है, यहाँ पर आई डोंट हैव वेबसाइट, इधर क्लिक करना है एंड ठीक है, एक मिनट ऊपर मैं क्लिक कर लूँ। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट यूजिंग एडसन भी क्लिक करते हैं। ठीक है, यह आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम शो होगा, बार बार शो नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा और आपने ऊपर वो जो एडसन फॉर यूट्यूब इधर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये देखें $3 ऐड हुए हैं तो मुझे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कहाँ पर शो कर रहा है, कि वेरिफिकेशन आपकी होगी या नहीं हुई। ठीक है, तो इस अकाउंट पर अभी टैक्स वेरिफिकेशन होने वाली है, अगर आपने टैक्स वेरिफिकेशन करनी इसको मेरी पहले वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी क्लिक करें तो यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन है ना वेरिफिकेशन चेक, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन अपनी। ठीक है, तो ये देखिए मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का। ठीक है, तो मेरी वेरिफिकेशन अभी कंप्लीटेड है तो यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा जब ये हमारा हो जाएगा तब हमें कुछ 5-10 मिनट या घंटे बाद हमें एक ईमेल आएगा। ठीक है, उस ईमेल के ऊपर हमें वो बताएगा कि आपकी जो पिन है ना वो सबमिट हो गया। और ये देखिए टैक्स वेरिफिकेशन, इसके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, अगर आपका अभी टैक्स वेरिफिकेशन ऐड आपने नहीं है जमा कराया तो फिर आप जितना जल्दी हो सके जमा कराएं, क्योंकि अगर आप नहीं जमा करवाएंगे तो आपके तकरीबन 35 कुछ परसेंटेज आपकी जो इर्निंग है ना वो गूगल कट करेगा। ठीक है, अगर टोटल इर्निंग में से तकरीबन 25% होता है वो जो गूगल है ना वो कट करता है, अगर आप आइडेंटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो वो कट नहीं करता। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो लेट्स मीट नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको यूट्यूब रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि हम आपको उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।